अरे यार इसके नोट्स कैसे तोड़े। अबे यार मैंने इसे मार दिया, मैंने फॉरेस्ट टाइटन को मार दिया भाई। अरे यार क्या लगता है गाइस, इसको देखो जरा एक बार। ओ भाई क्या लग रहा है भाई, ओ तेरी ये क्या चीज है भाई, ये स्पॉन ही स्पॉन करते जा रहा है, मेरे तो कितना ब्लीडिंग इफेक्ट आ रहा है, देख रहे हो ना भाई। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू ऋषिराज गेमिंग। आर्क प्राइमल फियर बायोनिक में आपका गाइस फिर से बहुत बहुत स्वागत है, और आज हम कुछ धांसू चीजें करने वाले हैं। हाँ गाइस, यस यस यस, आज हम फिर से मतलब बायोनिक ही खेल रहे हैं। बायोनिक क्या मतलब, वो तो मैंने डाल के रखा है, तो बायोनिक ही खेलेंगे। और आज कुछ बहुत ज्यादा धांसू चीजें करने वाले हैं हम गाइस। ये क्या है टैरनॉन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो टैरनॉन, जाओ यहाँ से। तो गाइस देखो, मैं आपको एक कुछ अपडेट देना चाहता हूँ। देखो मैंने कुछ डोडोस पकड़ लिए थे, ये देखो डोडोस, बढ़िया मस्त डोडोस हैं ये देखो, ये कैसे डोडोस हैं, कैसे हो तुम डोडो, आगे हो कैसे तुम डोडो। देखो ये अच्छे लगते हैं वैसे डोडो, इतने बुरे नहीं लगते। एक मैं ये भी हटा देता हूँ। तो ये देखो ये कुछ इस तरीके के दिखते हैं बायोनिक क्रीचर्स, मतलब हाँ मेरे हिसाब से ये शायद बड़े हैं। हाँ देखो इस पे हम बैठ सकते हैं क्या? ओ हाँ ओके ओके ओके। तो बायोनिक पे हम जब भी बैठते हैं शायद हम गायब हो जाते हैं, कोई ग्लिच है शायद से, जो भी ग्लिच है, बट चलो ठीक है, तो इसमें बैठ नहीं सकते, ये बायोनिक क्रीचर्स हैं ठीक है। पर गाइस एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मैंने आज ना एक क्रीचर देख के रखा है, मतलब हाँ गाइस मतलब वो मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको उसे कब दिखाऊंगा जब मैं उसे फिर से खोज लूंगा। लाइक मैंने उसे बहुत पहले देखा था, और वो एक फायर क्रीचर मतलब सॉरी फ्लाइंग क्रीचर है, तो भाई उसको ढूंढना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है गाइस। तो यार डेफिनेटली आपका एपिसोड बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है, और बायोनिक क्रीचर्स को टेम करने वाला है, और मैंने किबल्स भी बना लिए, मतलब इनने मेरे को काफी अंडे दे दिए थे, तो मेरे पास किबल्स भी हैं, सफिशियंट किबल है आई थिंक, मेरे पास सफिशियंट किबल्स है। तो बिना किसी देरी के गाइस हम चलते हैं सीधे से, और मतलब जो भी हमें टेम करना है फटाक से टेम करते हैं ना यार। और मेरे पास सब कुछ है ना, लाइक मेरे पास है सब कुछ ना भाई, हाँ 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 मेरे पास सब कुछ है ऑलमोस्ट। ओरिजिन बुलेट्स भी हैं, वैसे तो मेरे को ज़रूरत तो नहीं होती ओरिजिन बुलेट्स की, बट है चलो हमारे पास। तो गाइस कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, हम जल्दी से चलते हैं और फटाक से टेम करते हैं अपने भाई क्रीचर को। क्रीचर इधर से मैं किसको लेके जाऊँ मेरा, ओके। तो गाइस उससे पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करो गाइस। बस गाइस कमेंट करते रहो ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे, और मुझे पता चले कि आपको मतलब वीडियो कैसी लग रही है, या मुझे कौन कौन सी चीज़ें और हैं जो चेंज करने की ज़रूरत है। तो गाइस आपका कमेंट मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। एक काम करते हैं यार, स्प्रिट को लेकर नहीं इसको लेके चलते हैं ना, सेलेस्टियल को, ये सही है अपना, ये बंदा अपना सही है गाइस। इसका नाम और बताओ मेरे को कि मैं इसका नाम क्या रखूँ, अभी तक मैंने इसका नाम नहीं रखा, और ये मेरे को सबसे अच्छा क्रीचर लगता है। तो ठीक है गाइस आप मेरे को इसका एक बार नाम बता देना, ये कौन है, प्राइमल है क्या, चलो इससे इसको मार ही देते हैं यार थोड़ा सा। हाँ वेरी गुड, ये प्राइमल है क्या, ओरिजन है क्या, अबे ओरिजन है यार ये, फंस गया यार, फंस गया, अबे फंसा दिया था इसने मेरे को। चलो कोई बात नहीं, हमने स्टार्टिंग में ही भाई ओरिजन मार दिया यार, मेरे को फायर फालतू फायर डैमेज पड़ गया यार, बहुत गंदा फायर डैमेज पड़ गया। चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा अपना रीजनरेट कर लेता हूँ अपनी। अरे जाओ यार, ये चीटियाँ हैं मेरे लिए, फिर भी आ जाते हैं, मतलब मेरे को थोड़ा सा अपना स्टेमिना बूस्ट करना है। ओ गाइस मेरे को बहुत दिन बाद यहाँ पर एक टाइटन दिखा है, वो भी फॉरेस्ट टाइटन है गाइस। इसकी हेल्थ ठीक ठाक है, मैं इसके भाई ये नोट्स को तोड़ने की कोशिश करता हूँ, इसके नोट्स को तोड़ सकते हैं क्या हम गाइस? अरे यार इसके नोट्स कैसे तोड़े, अबे यार मैंने इसे मार दिया, मैंने फॉरेस्ट टाइटन को मार दिया भाई। अरे यार बड़ी मुश्किल में मिला था, मैं इसे बिल्कुल भी मारना नहीं चाहता था, बट क्या कर सकते हैं गाइस। चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। बट मैं तो मैं सोच रहा हूँ आज वाइवन ट्रेन, वो जो वाइवन का एरिया होता है ना वहाँ पर भी चले, हमने बहुत दिनों से कोई वाइवन को टेम नहीं किया है। चलो ठीक है अभी देखते हैं गाइस। तो गाइस देखो मेरे को वो वाला क्रीचर मिल गया जिसकी मैं बात कर रहा था, एक सेकंड किधर गया वो भाई, ये बायोनिक गायब हो जाते हैं यार, ये रहा। तो गाइस ये देखो हमें मिला है मैकेनिकल ग्रिफिन, और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। देखो मैकेनिक ग्रिफिन जो होता है, मैकेनिकल ग्रिफिन, वो स्पॉन नहीं होता है, मतलब रैंडमली स्पॉन नहीं होता है, इसका हमें टूटा हुआ मतलब ये अनअसेंबल्ड मिलता है हमें कभी कभी, मतलब क्रीचर्स को मारने के बाद। बट मैंने एक स्पॉनर मतलब एक नया मॉड एक इसमें और डाला, इससे क्या होगा कि ये जो मैकेनिकल क्रीचर्स भी है ना गाइस, तो वो भी मतलब स्पॉन होने लगेंगे, तो सारे स्पॉन होंगे, तो मतलब वो कुछ रैंडम चीज़ें नहीं रहेंगी यार। वैसे ही तो इसमें बहुत कम स्पॉन हो रहे हैं, और मैं भाई समझ रहा हूँ ना, पता आधे क्रीचर तो मैकेनिकल ही हैं, तो भाई उनको ढूंढो, फिर वो फिर उनको असेंबल, बहुत कुछ लफड़े हैं।
तो इसीलिए मैंने ना एक ऐसा मतलब मोड डाला है जिससे होगा ये कि सारे क्रीचर जितने भी है ना सारे स्पॉन होंगे तो हम सुकून से अपना गेम खेल पाएंगे और मजे के साथ मतलब इंजॉय कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम मेरा क्या रहेगा, कहाँ गया वो, कहाँ गया एक सेकंड मेरे को देखना पड़ेगा, ये रहा। तो मेरे को इसका टॉर्पर देखना है, टॉर्पर इसका कितना है, टॉर्पर यार मेरे को तो दिखा नहीं अभी तक, दैट्स काइंड ऑफ वियर्ड थिंग, बट चलो देखते हैं। इसमें पड़ा पड़ा पड़ा, ये यार हो नहीं रहा भाई, टेम कैसे होगा फिर? मुझे लगता है मैंने इसको गलत डाल दिया भाई, मेरे को नहीं लगता कि ये ऐसे टेम होने वाला है, तो मुझे इसे मारना पड़ेगा क्या? हाँ मर तो गया ये अनअसेंबल, देखते हैं चलो। नहीं यार ऐसे तो काम नहीं चल रहा गाइस, तो मुझे लगता है कि फिर अरे यार फिर वो मैकेनिकल क्रीचर जो भी है मैं उनको भाई हम ऐसे तो भाई मतलब क्यों करके कोई फायदा हमें मतलब है नहीं, मतलब उन्हें हम नहीं कर सकते, तो मतलब वो मेरा मॉड डाल लेगा कोई सेंस बना नहीं, स्पॉन तो होंगे बट हम उन्हें टेम नहीं कर पाएंगे। तो चलो ठीक है डला रह देते हैं, कम से कम देखने में तो अच्छे लगते हैं एटलीस्ट। तो कोई बात नहीं गाइस, हम अपना कोई और क्रीचर ढूंढ लेते हैं, यहाँ पर बहुत है, अब तो रैंडमली बहुत सारे स्पॉन हो रहे हैं, तो मैं आपको कुछ कुछ और डायनोस दिखाता हूँ। देखो मैंने दो तीन देख के रखे थे बट पता नहीं अभी वो डिस्पॉन हो गए होंगे या नहीं, चलो कोई बात नहीं। मैंने सोचा तो था कि हम अपने पता सेकंड एपिसोड में बायोनिक के सेकंड एपिसोड में, ओ भाई ये क्या चीज़ था, तो बायोनिक के सेकंड एपिसोड में हम मतलब ग्रिफिन को पकड़ लें, क्योंकि देखो आपको पता है मैं ग्रिफिन से कितना ज़्यादा भाई लगाव है हमें, वो आइस के आसपास था कहीं पर, एक सेकंड इधर स्पाइन हो, अच्छा अच्छा सादा स्पाइन, मुझे लगा क्योस स्पाइन हो, अगर क्योस स्पाइन होता तो डेफिनेटली उसे टेम करने वाला था, बट चलो कोई बात नहीं गाइस। तो चलो देखते हैं गाइस अब क्या होने वाला है, अच्छा ही रहेगा जो भी है भाई, देखते 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 हैं। तो गाइस ये देखो ये भाई बंदा, ये देखो बायोनिक गोरिल्ला, और भाई इसको देख रहे हो ना कितना शानदार लगता है, मैं इसको आपको पास से दिखाऊंगा, मतलब इसे भाई बहुत सही लगता है वैसे तो। मैंने इसका फुल टॉप ऑफ कर दिया है, ये जाएगा अभी, जाएगा जाएगा, गया गया गया। ये कौन थे मच्छर यार, हटो यहाँ से, हटो यहाँ से, सीरियसली मच्छर, यहाँ पर कोई गलत डायनो तो नहीं है, वैसे मेरे हिसाब से तो अभी तक तो मेरे को नहीं दिखा है। अबे यार मैं कह रहा हूँ ना गलत डायनो ना हो, ऐसा हो सकता है कभी आर्क में, हाँ वेरी गुड, चलो हटो, कोई और देखो मेरे को अभी भी दिखा दो, बता दो कुछ और हो तो। ओ ये रहा हमारा बंदा, इसको कितनी 6 केबल चाहिए, ओके ओके मेरे पास हैं केबल, केबल 6 है, 1 2 3 4 5 6 6, ओके ओके। तो भाई मेरे को वुल्फ की आवाज़ आ रही है कहीं से तो भी, टेम हेल्पर किधर है भाई, मेरे को बहुत गंदे गंदे साउंड आ रहे हैं, टेम हेल्पर मैं इसको 2 खिला देता हूँ। ओ हो गया भाई, हो गया। ओ भाई क्या लगता है भाई, इसको देखो जरा एक बार, ओ भाई क्या लग रहा है भाई, ओ तेरी हट तेरी, ओ भाई 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 खतरनाक भाई, खतरनाक भाई, सही है भाई, बहुत सही है भाई, ये बड़ा एग्रेसिव टाइप का होता है यार जो भी है गाइस। ओ भाई ये अंडे देते हैं, ये भी अंडे देते हैं, ओके फाइन, तो मेरे को लगता है यार सारे लोग अंडे ही देते हैं भाई, ये एक सेकंड कितना खतरनाक लग रहा है गाइस यार, एक सेकंड देखो आप जरा इसे भाई, क्या लग रहा है मतलब क्या चीज है यार ये, मतलब ऐसा लग रहा है ट्रांसफॉर्मर्स हो गए, ट्रांसफॉर्मर्स जिसने देखे होंगे ना उसको पता होगा भाई, सही चीज है यार ये, बहुत सही चीज है, कोई मारने तो नहीं आ रहा है ना, चलो ठीक, इसमें बैठ सकते हैं क्या, वो बैठ सकते हो गाइस, ओ भाई चलो हम इसके अटैक देखते हैं जरा, एक तो उचकता है क्या, उचकता तो नहीं है देखो भाई, लेकिन लगता कितना सही है ना, चलो एक तो ये अटैक है इसका, एक सेकंड मेरे को देखने दो इसके कितने क्या अटैक है, मेरे को देखना है इस पर देखते हैं, 1000 का डैमेज है, उतना कोई खास नहीं है, चलो ठीक है, लेफ्ट क्लिक से, राइट क्लिक से कुछ करता है, अच्छा ये भाई इसके फायर है भाई, ओके बहुत सही, और सी से कुछ करता है क्या, अच्छा सी से यह बॉम्ब का गोला फेंकता है भाई, सही है यार, ओके दैट्स एक्चुअली कूल, एक्स से कुछ नहीं करता, जेड से तो डेफिनेटली कंट्रोल से भी कुछ नहीं करता, तो ओके इनके जो अटैक्स होते हैं बहुत सिंपल होते हैं, बस सी से एक एक्स्ट्रा अटैक होता है इनके पास, मेरे को नहीं पता ये कितना अटैक देता है, एक सेकंड देख लेते हैं सी वाला अटैक इसका, एक बार देख लेते हैं कितना देने वाला है, बहुत कम है गाइस, बहुत ज़्यादा कम, मतलब हाँ इसके अटैक्स तो भाई बहुत ज़्यादा कम, बट बहुत कूल लगता है गाइस, बहुत ज़्यादा कूल है,
और हद से ज्यादा कूल है ना। तो चलो हम एक काम करते हैं, इसको रख लेते हैं और हम कोई और डायनोस को भी ढूंढने की कोशिश करते हैं, अगर कुछ अच्छा मिल जाता है तो फिर चलेंगे हम बेस पे और इनको करेंगे भाई ट्राई आउट, और साथ ही इनको करेंगे फुल लेवल अप। अब तो हमारे पास फुल लेवल अप के बहुत सारे पोर्शन पड़े हैं, मुझे नहीं पता इन पर काम करेंगे या नहीं, पर चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भी होगा जैसा भी होगा गाइस मस्त होगा, मजेदार होगा। गाइस लगता है आज हमारी किस्मत कुछ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, मुझे अभी तक दो चार मतलब कोई डोडो वोडो दिख रहे हैं, कोई अच्छे वाले वाले क्रीचर्स मुझे मिल नहीं रहे हैं, मतलब कुछ भी अच्छा मिल जाए यार तो ज्यादा अच्छा है भाई। वो फॉरेस्ट टाइटन हमें भाई बहुत अच्छा मिल गया था, बट क्या करें अब गाइस, थोड़ी किस्मत हमारी शायद सही नहीं थी या ओ भाई एक और फॉरेस्ट टाइटन, नहीं नहीं ये क्या चीज है, ओ रुक 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 जी क्या बायोनिक सिरेन हेड, सिरेन हेड ओके बायोनिक सिरेन हेड, मैक्स लेवल का है ये, 600 लेवल का है, बट क्या चीज है ये, फीमेल है भाई सिरेन हेड, इसको ये टेमेबल नहीं है यार, ये क्या चीज है, ये तो भाई बहुत वियर्ड है, ये क्या चीज है भाई, वो स्पॉनर मैंने डाला इसकी वजह से सबको स्पॉन हो रहा है, मतलब ये बॉस के ऊपर आता है ये बार, 100% ये बॉस होना चाहिए यार, बॉसेस भी स्पॉन होंगे तो मजा नहीं आएगा, चलो मैं वो मॉड हटा दूंगा फिर भाई, ऐसे नहीं फिर मजा नहीं आएगा यार, लेकिन ये है क्या चीज, मैं इसे मार सकता हूँ, इसकी हेल्थ कितनी है, वो भाई हेल्थ इसकी 20 मिलियन है, चलो हेल्थ तो इसकी एटलीस्ट अच्छी है, वैसे 20 मिलियन हेल्थ मतलब मेरे एक बार खत्म करने इसकी मुझे पता ही था, इन्वेंट्री एक्सेस करते हैं इसकी, एक सेकंड इसके अंदर कुछ रखा है क्या, फ्लैग है अच्छा इसके अंदर, इसीलिए शायद नहीं टूट रहा है, ओके ओके ओके, अब मुझे लगता है फ्लैग था, मुझे पता नहीं किस टाइप का फ्लैग था, क्या कर सकते हैं कि इसे असेंबल कर सकते हैं फिर से बना, भाई कैसा है ये भाई, कैसा है कैसा भाई ये देखो जरा ये कैसा है ये भाई, क्या सीन है इसका, लग गायब हो गया यार, शिट गलत टाइम पे गायब हो गया, चलो कोई बात नहीं गाइस, कोई भी बात नहीं, चलो हमें एक बॉस तो मिल गया लाइक, चलो ठीक है वो मॉड से हमें कुछ खास ज्यादा फायदा तो हुआ नहीं, और बायोनिक ओ भाई कुछ गलत चीज हुई थी, एकदम रेड कलर की लालामी छा गई थी मतलब हमारी आंखों के सामने, ये क्या चीज है भाई, चमकने वाला घोड़ा मिला हमें, एल्डर मैन लीजिए मेरे को आज तक पहली बार मतलब कभी नहीं दिखा, ये क्या चीज है, मेरे को ये भी चाहिए, किधर गया वो भाई, किधर गया मर ना जाए वो, किधर गया, ये रहा, मैं काम करता हूँ, मैं इसे बोला करने की कोशिश करता हूँ, तो भाई कितने सारे इसने वो छोड़ दिए यार, क्या है भाई सीन इसका, एक काम करते हैं इसे बोला करते हैं अगर कर पाए तो, ओ भाई कितने छोड़ रहा है भाई इसने, तुम भाई आतंक मचा डाला, ये देखो भाई कितने ज्यादा छोड़ दिए इसने यार, मैं इसका टॉर्पर बहुत कम दे पा रहा हूँ, इसका टॉर्पर बहुत ज्यादा है, मुझे लगता है ओरिजिन बुलेटी मुझे मारना चाहिए इसमें फिर, ओके फिर मैं इसमें ओरिजिन बुलेटी मारने वाला हूँ, अबे यार जल्दी, चलो मैंने इसे ओरिजिन बुलेट मार दी, भाई खून इसने मेरा बहुत कम कर दिया यार, बहुत सही चीज है वैसे, ये क्या है यार, तो भाई स्पॉन करते जा रहा है ये यार, ये भाई ये क्या चीज है भाई, ये स्पॉन ही स्पॉन करते जा रहा है, मेरे तो कितना ब्लीडिंग इफेक्ट आ रहा है, देख रहे हो ना भाई मेरे ब्लड देखो जरा आप ऊपर की, भाई इसने क्या हालत कर दी है, ओ भाई भाग मत, जल्दी गिर जाएगा ये, जल्दी से गिरे, इसको कितनी स्पेशल 6 स्पेशल केबल चाहिए, कोई बात नहीं देखते हैं, नहीं होगी तो फिर मैं बेस से ले आऊंगा, वैसे होगी मेरे पास उतनी तो होनी चाहिए भाई, गिर जा फटाफट गिर जा, चलो गाइस ये गिर गया है, और इसके वो जो चीटी इसकी मतलब जो चीटियां थी उनको भी मैंने मार दिया, चीटियां तो नहीं थी भाई वो बहुत खतरनाक चीज थी, यहाँ पर कोई आए नहीं तो अच्छा है, मेरे पास केबल है कि नहीं, केबल स्पेशल केबल मेरे हिसाब से है 10 केबल्स हैं, चलो हो जाएगा काम हमारा, कितनी चाहिए थी इसे, 6 चाहिए थी ना, ओके तो चलो फिर मेरे हिसाब से इतना काफी होगा, चलो मैं इसे थोड़ा सा वो और दे देता हूँ, ओ हो गया, अच्छा ओरिजिन मारा था ना मैंने, इसे ओरिजिन बुलेट मारा था, ओके ओके, तो भाई ये बड़ा है क्या, हाँ गाइज ये बड़ा है नॉर्मली कोस से ये बड़ा है, चलो एक मिनट इसकी पावर देख लेते हैं हम कितनी है भाई, 1 मिलियन हेल्थ है इसकी बहुत कम है, आई नो ये कुछ अजीब सा इफेक्ट दे रहा है, चलो एक काम करते हैं इसके इफेक्ट मतलब इसके वो देख लेते हैं, अभी तक मैंने इसको टेम कभी किया नहीं, वैसे इसके ऊपर देखो कुछ सितारे वितारे से आ रहे हैं, पता नहीं कौन क्या सीन है इसका, चलो इसके जरा पावर देख लेते हैं हम कि क्या पावर्स हैं इसके, तो एक तो ये है नॉर्मल, अच्छा बहुत खतरनाक कोई इफेक्ट होगा मेरे हिसाब से, अच्छा ठीक है, और राइट क्लिक से तो वही है सेम है, सी से कुछ करता है क्या,
सी से कुछ नहीं कर रहा। अच्छा सी से ये स्पॉन कर लेता है अपने ये आसपास, भाई ये पता नहीं ये क्या है यार, ये जर्बो जर्बो ओके ओके जर्बो को कर लेता है ये, ओके ओके ओके। और एक्स से कुछ करता है क्या? एक्स से कुछ नहीं, कंट्रोल से भी कुछ नहीं। चलो तो इसका एक बार डैमेज देख लेते हैं कि डैमेज ये आखिर कितने का देता है। ठीक है तो ये बहुत सारे जर्बो है मेरे पास, चलो अच्छा ही है वैसे। भाई स्पीड भी इसकी ठीक ठाक है, चलो इस पर देख के देखते हैं। वो भाई 1 लाख का डैमेज दे रहा है, ये बहुत गंदा डैमेज दे रहा है। सही है वैसे यार, सही है, बहुत सही है। काम करते रुको रुको, मैं जर्गोआ से कुछ करा के देखता हूँ। यहाँ पर कोई है क्या, मतलब कोई भी क्रीचर इसके इसके इस पर आते हैं। चलो फिर वो जर्गोआ किधर गए? हाँ जी रे जर्गोआ, देखते हैं गाइस ये जर्गोआ कुछ कर पाएंगे या नहीं। अब मार दिया क्या? ओ भाई जर्गोआ ने मार दिया भाई, वो बहुत सही है यार। पता नहीं ये डिस्पॉन होते हैं कि नहीं, चलो एक बार और करके देखते हैं हम, सी करके देखते हैं फिर से। हाँ गायब हो गए थे गाइस, वो गायब हो गए थे, फिर से आ गए आ गए आ गए। अच्छा एक बार और करके देखते हैं, ये कितनी बार बुला सकता है। चलो ये देखते हैं गाइस, फिर से आ गए। ओके दो बार मैंने बुला लिए, तीसरी बार भी भाई हम इसकी सेना बना सकते हैं। भाई एक सेकंड, कितनी बार बुला सकते हैं? एक सेकंड। अच्छा मेरे हिसाब से शायद दो बार ही बुला सकते हैं। ओके फाइन। तो गाइस हम दो बार सिर्फ बुला सकते हैं, पर दो बार में जर्बो आप देखो कितने सारे हैं गाइस। मेरे हिसाब से शायद ये भाई 10 से ऊपर होंगे आई थिंक। देखो आप बहुत ज़्यादा ही है यार, ये 15-20 होंगे आई थिंक, बहुत छोटे छोटे हैं ना इसलिए दिख नहीं रहे भाई। लेकिन ये तो बहुत गजब ढा देंगे यार, मतलब अगर किसी पर हम भाई अटैक करें तो भाई 2000 का या 1000 का तो अकेला यही डैमेज दे डालते हैं भाई। सही चीज़ हाथ में आई है भाई, ये आज तक मैंने कभी टेम किया नहीं। वैसे गाइस आप भी कर लेना अगर आपको कभी मिले तो, बहुत अच्छा क्रीचर है, मतलब स्पेशल के बल के लिए बेस्ट क्रीचर रहेगा ये। काफ़ी अच्छा माउंट है। चलो एक काम करते हैं, इसे रख लेते हैं क्योंकि हम अभी तो नहीं चाहते कि इसको मतलब थोड़ा भी कुछ परेशानी हो। ये मेरे पीछे तो नहीं आएंगे ना ये? ओ गायब। मुझे इसमें क्या है, स्पेशल केबल ऑफ पॉइंट, मुझे स्पेशल केबल डेफिनेटली चाहिए भाई, केबल चाहिए। तो चलो गाइस हमने इसे भी टेम कर ही लिया और आज का हमारा भाई, अरे किधर रहे हम? चलो गाइस तो हम एक काम करते हैं, बेस पर चलते हैं और वो जो हमारा बंदा था ना उसको लेवल अप करके देखते हैं भाई, देखते हैं वो कितना क्या डैमेज दे सकता है। ठीक है तो चलो हम जल्दी से फटाक से चलते हैं अपने बेस पर। और गाइस मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, देखो मैंने एक और टीम किया था, ये डिमोनिक हाइनाडॉन है भाई, बहुत ज्यादा हाई लेवल का है। और ये मैंने क्यों टीम किया था मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज बता देता हूँ। देखो मेरे पास एक डिसेंडर पड़ा हुआ है, किधर गया भाई डिसेंडर? खत्म ना हो गया हो, बट अभी तक तो था यार, मुझे लगता है वो खत्म हो गया उसकी भाई, वो खत्म हो गई होगी हेल्थ उसकी, खत्म हो गई होगी। ओके 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 फाइन। तो उसकी मुझे लगता है हेल्थ डेफिनेटली खत्म हो गई होगी, इसी चक्कर में वो गायब हो गया। ओके डिस्पॉन हो गया वो, तो डिस्पॉन हो गया, बट कोई बात नहीं, हम फिर से मारेंगे तो हो जाएगा हमारे पास। मतलब ये अच्छा एक क्रीचर है, इसको भी हम यहीं रखेंगे, चलो कोई बात नहीं। और मैं जरा उसको निकाल लेता हूँ बाहर, हम अपने इस क्रीचर को बाहर निकालते हैं। ये हमारा जो बंदा है किधर गया वो? ये नहीं, ये वाला एक क्यूब। तो ये गाइस कितना खतरनाक लगता है भाई, बायोनिक गोरिल्ला भाई, 540 लेवल का भाई बायोनिक गोरिल्ला भाई, सही लगता है ये, बहुत सही लगता है, हद सही लगता है भाई, बहुत सही लगता है यार ये तो, यार कितना गजब लगता है ना। तो गाइस मैं एक काम करता हूँ, इसे लेवल अप करता हूँ उनको एक सेकंड। तो मेरे पास एक भाई 17 पड़े हैं मेरे पास, बहुत ज़्यादा है मेरे पास, चलो 88। हाँ इसके लेवल आप हो सकते हैं, चलो अब लेवल अप कर ही लेते हैं इसको फुली। तो गाइस मैंने इसे फुल लेवल अप कर लिया, मैं जरा आपको इसकी हेल्थ दिखा देता हूँ। देखो इसकी हेल्थ 38 मिलियन हो गई है और इसका डैमेज अगर हम वैसे देखें, सॉरी एक सेकंड, अगर हम इसका डैमेज वैसे देखें तो लगभग मेरे डैमेज इसका 10,000 के आसपास है कुछ। तो चलो देख लेते हैं भाई कितने का डैमेज दे रहा है ये बायोनिक भाई हमारा, ये निकल जाएगा कि नहीं भाई। पर ऊधम बहुत कर रहा है यार ये, बहुत ज़्यादा ऊधम कर रहा है, चलो कोई बात नहीं। वो डोरोरेक्स आया हुआ है, चलो यही सही टाइम है हमारे इस क्रीचर को आजमाने का। ये फेंकते हम सबसे पहले, ये कुछ करता है क्या? अबे कुछ ज्यादा डैमेज नहीं दे रहा है, एक सेकंड में वो देखने दो इसका डैमेज कितना है भाई पहले, उसके बाद हम। लो भाई हमारे डायनोस को पहले जोश आ जाता है ना, मैं क्या करूँ भाई, मैं कहाँ से डैमेज दूँ।
पहले मेरे डायनोस को जो जोश आ जाए भाई, इसको मार के देखते हैं हम। हाइड्राडॉन को नहीं मारना मुझे, ओ शिट 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 बहुत गड़बड़ हो गई, इसको मेलन को मार के देखते हैं। ये कौन, ये तो मेरा वाला है, ये यहाँ कहाँ से आ गया भाई यूनिकॉर्न, क्या पता नहीं यार ये क्या सीन चल रहा है, इसको मार के देखते हैं। 48,000 का ही डैमेज है यार, कुछ खास ज़्यादा अच्छा नहीं दे रहे हैं यार ये। वो ये कौन है भाई, अबे मैं डर गया एक सेकंड के लिए। अबे मेरे डायनोस का भाई दिमाग खराब हो गया भाई, हद दिमाग खराब हो गया। मुझे लगता है अब देखो भाई, अब होगी लड़ाई असली, देखना अब मैं कुछ नहीं, मैं जानता हूँ ना अब क्या होगा, मुझे पता है भाई। अब निकलते हैं यहाँ से जितना जल्दी हो सके भाई। इसका कोई खास डैमेज नहीं यार, प्राइमल फियर में मेरे हिसाब से बायोनिक का कोई खास यूज है नहीं। मुझे लगता है नॉर्मल वाले जो मॉड्स होंगे उसी में शायद बायोनिक सही तरीके से काम करेगा। और चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब जो है सो है, हमने इसे टेम कर लिया। और ये देखने में बहुत कूल लग रहा है, भले ही इसका डैमेज बहुत ज़्यादा ना हो, बट देखने में गाइस ये हद कूल लग रहा है, हद से ज़्यादा कूल लग रहा है भाई। बायोनिक गोरिल्ला भाई बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है, आप इसे देखो यार। मुझे ऐसा लगता है भाई ट्रांसफॉर्मर्स का कुछ भाई 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 है, पता नहीं क्या चीज़ है भाई। जो भी है गाइस, बहुत सही लग रहा है, बहुत कूल लग रहा है। तो गाइस बस आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं, और आज नेक्स्ट एपिसोड में पता है हम क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड में मैंने एक सेना रेडी करके रखी है, मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, जो हमारा सेकंड बेस है मैंने वहां पर एक सेना रेडी करके रखी है। और किस चीज़ की सेना रेडी करके रखी है वो मैं आपको नहीं बताने वाला हूं। तो उसके मतलब मेरे को 2-3 दिन इसी चीज़ में लग गया, मतलब मैंने अभी तक जो आर्क की एक भी वीडियो नहीं डाली, और अभी तक मैंने कुछ खास ऐसा नहीं किया, क्योंकि मेरे को वो सेना मतलब ग्रो करने में बहुत टाइम लगा। मैंने ब्रीडिंग वगैरह की है वहां पर कुछ, और कुछ डायनोस को मैंने वहां पर ब्रीड किया है, जो कि मैं अभी आपको इस एपिसोड में डेफिनेटली नहीं दिखाने वाला हूं। उसके लिए आपको गाइस नेक्स्ट एपिसोड जरूर से देखना पड़ेगा, और वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उसमें ना उन पूरे ब्रीड्स की मतलब मैं आपको एक हिंट देता हूँ, वो बहुत बड़ी ब्रीड नहीं है, मतलब बहुत छोटे डायनो है, ये समझ लो आपके पास डोडो से जस्ट बड़े डायनो है कुछ, मतलब कोई भी हो सकता है वो, डोडो से जस्ट थोड़ा बड़ा डायनो, मतलब हेल्थ वाइज भी मान लो और डैमेज वाइज भी मान लो, जैसा भी आपको मानना है वैसा मान लो। तो उसकी एक मैंने बहुत बड़ी आर्मी, बहुत बड़ी भी नहीं मतलब ठीक ठाक आर्मी मैंने उसकी रेडी की है, और उसकी हम फाइट कराने वाले हैं गाइस, पता है क्या, क्लॉसिस से गाइस, या फिर शायद से मैं उसकी लड़ाई कराने वाला हूँ पिकॉन द क्रिएटर से, या फिर पिकॉन द रिवेंजर से। तो इनमें से हम किसी ना किसी एक बॉय बॉस से बहुत खतरनाक फाइट लेने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि उसके लिए मेरे को प्रिपरेशन करनी पड़ रही थी, और प्रिपरेशन के लिए देखो टाइम लगता है, आपको पता है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है मेरे को प्रिपरेशन करने में। तो सॉरी गाइस मैं आज वो वीडियो नहीं ला पाया, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में हम बहुत ज़्यादा धांसू होने वाला है, मतलब आज भी हमने काफ़ी कुछ कर लिया, मतलब अपने एक डायनो को टेम कर लिया, बहुत कुछ कर लिया। तो ठीक है गाइस, और हाँ गाइस अगर आप यहाँ तक अभी तक रुके हो तो मुझे पता है आपको वीडियो पसंद ही आया होगा। तो गाइस जिसने भी, जो भी लोग नए आए हुए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। अगर वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक करना मत भूलना गाइस, और कमेंट जरूर से करना, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गाइस आप करते रहिए वीडियो को। Yeah.